अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ नेशन से आपको एक इतला देते चले, खबर तो ये पुरानी है लेकिन इस्लाम 360 के नाम से एक ऐप है जो आप अपने घरों में ज़रूर डाउनलोड कीजिए बगैर इंटरनेट के। उसमें क्या क्या है आइए इस वीडियो में देखते हैं। अब मैं इसको दोबारा क्यों खोल देता हूँ। हदीस में तलाश करें, आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिर्मिज़ी। आप सब हदीस में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। नमाज के मुतालिक शेख की 8536 रिवायात हैं, सब ले आया ढूंढ कर मेरे घूम में बगैर इंटरनेट के। ये सब और नमाज जहां जहां लिखा हुआ ये सब आपको दिखा रहा हूं। इवन आप इसमें अगर सिर्फ ये जो आप काम करते हैं ना, जो हम यहाँ पर ये बड़ी स्क्रीन पर से मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये इस्लाम 360 ये इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा यूजर है पूरी दुनिया में, 174 ममालिक के अंदर। ये अपने सिर्फ अपनी अम्मा अब्बा की बख्शिश के लिए काम किया। मैं बेसिकली कराची से होता हूँ, यहाँ हमारा ऑफिस है यूके में। आप ये चाहते हैं कि मैं कुरान तो नहीं कहा जी कुरान, और यहाँ पर आकर मैंने कहा कि सूरह बकरा की ओपन कर दें। ये सूरह बकरा मेरे सामने आ गई, जो तिलावत तफसीर आप चाहते हैं मैंने कहा कि ट्रांसलेशन तमाम मकातिब फिक्र की ट्रांसलेशन मुझे यहाँ पर दिखा दें उर्दू में, सारे मकातिब फिक्र की ट्रांसलेशन मौजूद है। मैंने कहा नहीं जनाब, मुझे एक काम कीजिए, मुझे इसमें तफासीर दिखाइए। ये आपके पास तफासीर, इसके अंदर आपके पास तकी उस्मानी साहब भी हैं, इसके अंदर फी ज़िदालुल कुरान भी है, इसमें की करम अली शाह साहब भी हैं, इसमें तिबयानुल कुरान भी है, सब मौजूद है। आपने कहा कि नहीं जनाब, एक और काम कर दीजिए, मैं और आप कुरान पढ़ते हैं ये वाला जालिकल किताब ला रही होती। मैंने सिर्फ इस आयत पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे इस एक आयत का मतलब बताओ। मैंने रूह पर क्लिक किया, जालिका अलग अलग हो गया, अलग किताब अलग हो गया। मैंने कहा रैप के माने क्या? मैंने रैप पे क्लिक किया, रैप की पूरी डिक्शनरी इस किताब के सामने। मैंने कहा इस रैप से, इस मादा से, रा रे ये वे से कौन कौन से अल्फाज बने? उसने कहा रैप बना, रैबा बना, तरताबू बना, ये सब बना। उसने कहा तरताबू सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, इसका 95 नंबर का वर्ड है। मैंने क्लिक करके बताया तरताबू कहाँ लिखा हुआ है। अब ये आपको यहाँ पर पूरे इसमें बता देगा कि तरताबू का जो वर्ड मौजूद है, ये मैं अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा आसान वर्ड ले लेता हूँ, रैप सूरह नंबर 4 आयत नंबर 87 का 11 नंबर का वर्ड है। काउंट कर लीजिए, जो ये रैप यहाँ पर आता है ये 11 नंबर पर ही आएगा। मुझे 11 साल लगे इस रिसर्च में, और 11 साल की रिसर्च के बाद हम यहाँ पे वॉइस रिकग्निशन पे दुनिया की पहली एप्लीकेशन है जो उर्दू में इस तरह रिकग्निशन पे काम करती है। यानी इमाम काबा से लेकर पाकिस्तान, दुनिया भर के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं सबने मुझे अवार्ड दिए हैं, फला दिए हैं। ये अपने मेरे टेक्नोलॉजी के आदमी 98 से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये एक शौक था, इस पे काम किया जाए और ये यहाँ तक पहुँचा है। जी बहुत ही प्यारी न्यूज़ है दीन के लिए, इन्होंने 11 साल मुशक्कत के बाद एक बहुत ही अच्छी ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है और इन्होंने इसमें तमाम डिटेल बताई है। तो आप भी ये ऐप जल्दी से अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आजकल माशरे में जगह जगह बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वाकयात पेश आ रहे हैं। किसी मदरसे में भी बहुत सारे वाकयात पेश आए जो कि हमने आपको बताए भी हैं, और मज़ीद ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं। तो ये एक मुकम्मल ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने बच्चे को अपनी सरपरस्ती में इसकी तालीम दें तो आपका बच्चा भी सेफ होगा और वो तालीम की दौलत से भी आरास्ता होगा। और ये नौजवान ने बहुत ही प्यारा ये कदम उठाया और इन्होंने मौलाना साहब से कहा कि आप मुझे मज़ीद मशवरा दें, मैं दीन के लिए और क्या काम कर सकता हूँ। तो मौलाना साहब ने वाह वाह कहकर ये कहा कि यही काम जारी रखिए। जी अरशद साहब, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस यंग मैन ने बहुत ही अच्छा काम किया दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए, और ख़ास करके आपने सही कहा, जो यंग जनरेशन है जो कि मस्जिद नहीं जाना चाहते, आजकल जो हालात चल रहे हैं मौलवियों के और जो बच्चों के साथ ज्यादतियाँ ये वो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और इंटरनेट और मोबाइल इज़ अ गुड टूल अगर उसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आजकल की जनरेशन सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रही। और इन्होंने जो ये इस्लाम 360 पे ये ऐप बनाई है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जेर ज़बर पेश हर चीज़ 100% होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो दूसरे नॉन मुस्लिम हैं वो हमारे कुरान पाक को भी जो है ना वो ऐप डाउनलोड करके मतलब बनाते हैं और कहते हैं कि ये उसमें कितनी गलतियाँ होती हैं, तो अगर ये 100% है तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी उन्होंने ये भी बताया, तमाम फ़िक़्हे दीन तकी उस्मानी साहब का भी कह रहे हैं अगर आप इसमें बोलेंगे तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो खुल जाएंगी, तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन भी वो आपको बार बार सही करना सिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं और जिस तरह बच्चों के वाकयात स्पेशली हम सुन रहे हैं जो कि बहुत दिल दहला देने वाले हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा पैगाम है। इसको आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, न सिर्फ बच्चे
बल्कि आप भी दीन से मुकम्मल तौर पर नॉलेज ले सकते हैं। आपको जिस चीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आप सिर्फ ये ऐप डाउनलोड करें और आप बोलें, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है सबके लिए। 11 साल रिसर्च की है इस नौजवान ने और दुनिया की ये पहली एप्लीकेशन है जो उर्दू में ट्रांसलेट हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पर मौलाना तारिक जमील की बात आ जाती है, और मौलाना तारिक जमील ने इस ऐप पर वाह वाह करके खुशी का इजहार किया, तो आप इसको ज़रूर जो है डाउनलोड कीजिए। और इसी के साथ मुझे और अरशद खान को इजाज़त दीजिए इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।